नगर निकाय आम चुनाव, बेहतर कल का करें निर्माण, आओ करें मतदान। जिला गोपालगंज 1875 तक सारण जिले का एक छोटा शहर जो कि 1875 में अनुमंडल बना। गोपालगंज जिला बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर छोर पर अवस्थित है। गोपालगंज जिला उत्तर में चंपारण जिला एवं गंडक नदी, दक्षिण में सीवान जिला एवं पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिला से घिरा हुआ है। गंडक नदी और सहायक नदियां जैसे झरही, खनवा, दाहा और धनही की वजह से जिले की भूमि उपजाऊ एवं खेती करने योग्य है। लोग समृद्ध हैं। गोपालगंज की जनता को लोकतंत्र का परचम लहराने का मौका मिल रहा है नगर निकाय के आम चुनाव में। इस जिले में नगर पंचायत कटिया, नगर परिषद मीरगंज, नगर परिषद बरौली और नगर परिषद गोपालगंज में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ की आबादी 25,62,012 है, जिसमें से 12,67,666 पुरुष और 12,94,346 महिलाएं हैं। इनमें से नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या जिले में कुल 1,37,431 है। गोपालगंज की जनता 10 अक्टूबर के इंतजार में है। अपना महत्व, अधिकार और ताकत साबित करने का एक ही जरिया है मतदान, यानी कि करना भी है, कहना भी है कि मैं चुनूंगा अपना उम्मीदवार, मैं बनाऊंगा सरकार। जय हिंद। आगामी 10 अक्टूबर को गोपालगंज के 4 नगर निकाय में चुनाव निर्धारित है और उसमें आपको वोट करना है। आपका एक एक वोट अत्यंत कीमती है। स्वच्छ छवि के वैसे उम्मीदवार जिनसे आपको विकास की उम्मीद हो, वैसे उम्मीदवारों को वोट दें। मतदान के दिन शांतिपूर्वक निकलें और निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर मतदान करें। और आपका वोट ही आपकी आवाज़ है। अपने कर्तव्य को निभाएं और मतदान अवश्य करें। बेहतर कल का करें निर्माण, आओ करें मतदान। जय हिंद। ये मौका है गोपालगंज के लिए विकास की दौड़ में गति बढ़ाने का। हमरा तो आज तक ले इहे ना बुझाइल केकरा के चोर कहीं या केकरा के साथ चुनौवा में सब नेता मीठ मीठ बोल के आ जनता के ठग लेवेलन। ना ना, केहू के वोट ना दियाई। आखिर उहे जीत के हमनी के गांव ला का कर लेले। अरे ऊ तो अपना आप के राजा हरिश्चंद्र बनत रहले और टीमल का के जे बड़े हतना लम्बा लम्बा बात बघारत रहले कि उन्हीं के जितावल जाए। अरे नहीं के जानत उनकरा नगद नारायण न भेटाइल होई। अरे आपन खेवा खाता चल गईल, जनता के सेवा चूल्हा भार में जाओ। आते एको खिस्सा सुन ले बनी चाचा, कहल जाला ना काम निकल गए दुख बिसर गए। हां हां ठीक है कहत बनी, काम निकल गए दुख बिसर गए। अरे वो आई है हमारा दुआरी वोट मांगे, दांत खोदे के तो पूरा गांव में खरीका मिलबे ना करी। आ चल तेरे होट चाहिए, बड़ा अच्छा छलोल बने ले। अरे ना ना चाहिए सुनी ना, वोट दियाई ओकरा के दियाई जी गांव के नगर के आई समाज के सेवा करी तभी वोट दियाई। एक बात सुन ले बनी रहुआ, नेता के कोनो नेत ना होला आ जब जीत जाला सन त कोनो से भेद ना होला। ना ना ई बात तो वोटवा ना दियाई ना दियाई ना दियाई। सुनी सुनी चाहे केतनो मुड़ी पटकी हमार बात सुनी, वोट दियाई लेकिन ओकरा के दियाई जे गांव नगर के समाज की सेवा करी ओकरे के वोट दियाई और एकदम दियाई वोट। अच्छा तो ये पारे जी
रोवा तो बड़ा निक नोहर देहाती लोक गीत गाइला, तनी अपना स्वर में एगो गीत सुना के हमनी के नेताजी के स्वागत तो कर दिया। काहे ना, हम तो तैयार कइला ही बानी वो लोग खातिर। सुनाई सुनाई सुनाई। अब फिर हम नेताजी से यह पूछे कि रोवा का कोइनी हो गीत के माध्यम से पूछी ना। हाँ बिल्कुल, हम सुनाओ तनी का कहले वालन पूछी तनी गीत के माध्यम से स्वागत उनकर हो जाओ। हाँ हाँ, हम सुनाओ तनी, सुनाओ तनी। कैसे कहल जला? कुछ न कहनी ना नेताजी, अरे कुछ न कहनी ना, कुछ न कहनी ना नेताजी, कुछ न कहनी ना, कि हम तो वोटवा दे के जीतौनी नेताजी, कुछ न कहनी ना, कि हम तो वोटवा दे के जीतौनी नेताजी, कुछ न कहनी ना। जब से गईले सुधी हेराइल चभनी खूबे मलाई हो, जब से गईले सुधी हेराइल चभनी खूबे मलाई हो, जनता छूछे तर सत रह गईल, छूछे न छाछ भेटाइल हो, अखिया चोरवनी ना नेताजी, अखिया चोरवनी ना हो, अखिया चोरवनी ना नेताजी, अखिया चोरवनी ना, कि हमरो शारदा माटी में मिलवनी नेताजी, पूछो न कहनी ना, कि हमरो शारदा माटी में मिलवनी नेताजी, कुछो न कहनी ना, हाँ कुछो न कहनी ना नेताजी, कुछो न कहनी ना, हो कुछो न कहनी ना नेताजी, कुछो न कहनी ना, कि हम तो वोटवा दे के जीतौनी नेताजी, कुछो न कहनी ना, कि हम तो वोटवा दे के जीतौनी नेताजी, कुछो न कहनी ना। बड़ा बढ़िया रहल काका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या पूछे ये गीतिया में कुली कह देले, बहुते नीक नोहर माने गीत के साथ आवाजो नु निमन रहे, बड़ी बढ़िया, बड़ी बड़ी एकदम करेजा खनके लागल है इनकर गीत सुन के। हमनी के तो दिले दरियाओ हो गेल सुन के। वो हमनी के बहुत दिन से अब जे रोल वाइल बनी लो, जे हमनी से अच्छा लागी था, हमनी के विकास करी ओकर के बहुत दिन से। मतदान के दिन का उत्साह किसी पर्व जैसा है। इनके पास ये मौका है एक मिसाल कायम करने का, असल नेता चुनने का। सही प्रत्याशी चुनने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि समाज में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वोट और दूसरा वोटर। वोट वो होते हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल साफ है कि उनका नेता या तो कोई परिचित होगा या उनके जाति समुदाय का होगा, या वो जो वोट के बदले नोट दे। वहीं वोटर वो होते हैं जो अपने कर्तव्य को भली भांति समझते हैं, काम के आधार पर, विचारों के आधार पर नेताओं में असल नेता चुनते हैं और लोकतंत्र का परचम ऊंचा रखते हैं। हमें और आपको ये फर्क समझने की जरूरत है। जो वोट है वो चुनाव के बाद बीता हुआ कल हो जाते हैं और जो वोटर हैं वो आने वाले कल का निर्माण करते हैं। नमस्कार, नगर पालिका निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी हो गई है और आगामी 10 अक्टूबर 2022 को मतदान होना है। खासकर मैं उन युवा और युवतियों से जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनसे अपील करता हूं कि वो जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो वोट करने के लिए बाहर आएं और मतदान करें। इसमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद तीन पदों के लिए मतदान होना है। बेहतर कल का करें निर्माण, आओ करें मतदान। धन्यवाद। यहाँ की जनता ने जो भी सोचा है वैसा किया है। यहाँ के एक एक जन ने पूरे जज्बे के साथ हर मुहिम में अपना समर्थन दिया है और उसी का फल है कि आज गोपालगंज की एक अलग पहचान है। यही पहचान बरकरार रखने के लिए यह गुजारिश है कि इस चुनाव में वोट मत बनिए, वोटर बनिए। नमस्कार, आगामी 10 अक्टूबर 2022 को नगर निकायों यथा गोपालगंज, मीरगंज, बरौली और कटिया में मतदान होना है। मतदान का समय सुबह
7 बजे से शाम के 5 बजे तक है। आप स्वयं अपने परिवार एवं आस पड़ोस के सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। बेहतर कल का करें निर्माण, आओ करें मतदान। धन्यवाद। लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार।